बेसन, हल्दी, दही, थोड़ा गुलाब जामुन। क्या बोला डॉक्टर बाय द वे? तो वो क्या हमने वहाँ पे स्पॉट किया? बाबा राम। लेकिन टेस्ट इतनी खास नहीं है, ऑनेस्टली टेम्परेचर बीपी सब कुछ नॉर्मल आ गया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। अभी टाइम हुआ 7 o'clock इन द इवनिंग। आज मेरा दिन बहुत ही लेजी गया क्योंकि कल मैंने एक्चुअली ना कफ मेडिसिन लेके सोया। आई वाज नॉट फीलिंग वेल और जो कफ मेडिसिन नॉर्मली मैं लेता हूँ वो आधा कप लेता हूँ, कप मतलब उसके जो टॉप का रहता है ना वो वाला कप, लेकिन कल मैंने फुल लिया। सो रात को हम लोग एटलीस्ट 1:30 वी स्लेप्ट एंड आई वोक अप एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। और उसके बाद भी उसका असर थोड़ा सा चलता रहा, तो आफ्टरनून ऑल्सो आई स्लेप्ट फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड देन आई वोक अप। सो नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल फ्रेश, तो अभी मैं जाके जिम करूंगा। लेकिन जिम जाने से पहले मेरे को बहुत भूख लगी, मतलब होता है ना जैसे ही यू स्टार्ट फीलिंग वेल यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री एज वेल। सो अभी हमने ऑर्डर किया है पाव भाजी। सो हमने ऑर्डर किया है चाट बाजार से पाव भाजी। दिस इज सेट टू बी अमूल पाव भाजी। अभी पता नहीं अमूल पाव अमूल बटर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बटर सेपरेटली दिया है क्या? नहीं सेपरेट नहीं दिया, लेकिन ऐसे लग रहा है। लेकिन बॉम्बे में अमूल पाव बटर पाव भाजी, मतलब बटर पाव भाजी जो मिलती है उसमें बटर मक्खन मार मार के देते हैं, यहाँ पे मक्खन मारा ही नहीं है। सो दैट्स वन टर्न डाउन। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर हियर। एक है समोसा जो हमने ऑर्डर किया और दूसरा है आई मीन ऑफकोर्स पाव भाजी का पाव। सो अभी पाव भी वो बटर वाले नहीं है जो बॉम्बे में मिलते हैं। सो आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, सो लेट्स टेस्ट एंड लेट्स। बटर वाले है भाई, देख पूरा। लेकिन जो वहां पे मिलते तेरे को पता है मक्खन कितना मार मार के मिलता है, राइट? बहुत सर है इसमें, बट स्टिल अप टू नॉट माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक काम कर, तो अभी मुंबई जा खाने के लिए सब कुछ सबको डालू। नहीं बस बस अभी डाल, इतना बचा हो गया करेगी। मैं पाव भाजी से स्टार्ट करता हूं और आपको एक फटाक से रिव्यू देता हूं। क्या हुआ? इट्स ओकेश। कहां से ऑर्डर किया तूने बाय द वे? चाट बाजार। In fact, it was expected to be good क्योंकि चाट बाजार का नाम बहुत फेमस है और वहाँ पे अगर आप मेनू कार्ड देखोगे ना एकदम टिपिकल बॉम्बे डिश है, मतलब टिपिकल एकदम बॉम्बे का जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना वैसे वाली डिशेस है, जैसे कि कीर्ति वड़ा पाव, ओके वो चूड़ा वड़ा पाव जो भी है, लेकिन टेस्ट इतनी खास नहीं है ऑनेस्टली। वो अरे हम बर्दुआ में ट्राई करते थे ना, वो कौन सा बॉम्बे बाइट्स उसका मस्त है। समोसा ट्राई करता हूँ मैं, समोसा अच्छा रहेगा। समोसा में क्या है? नहीं अच्छा है, समोसा भी ठीक ठाक ही है। एनीवे अभी ऑर्डर किया है ये तो खा लेते हैं और भूख भी बहुत लगी है, बटर तो अपने घर का ही मानना पड़ेगा अभी। स्वागत है, तू अमूल बटर लाना और ये रही मेरी ब्लैक कॉफी। तो आज संडे का टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9:30 और हम लोग आए हैं बजुमन मॉल फॉर सम रीजन। अभी कुछ काम है जो इन प्रोग्रेस है, सो अभी काम होते होते हुए हम लोग 11 o'clock हो जाएगा। लेकिन आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेकफास्ट टू स्टार्ट डे, बट देन आई जस्ट थॉट ऑफ चेकिंग मैकडोनल्ड और मैकडोनल्ड बंद है अनफॉर्चुनेटली। सो मैंने सोचा था कि मैकडोनल्ड का मस्ट बिग ब्रेकफास्ट किया जाए लेकिन वो बंद है। सो अभी ऑल्टरनेटिव है मेरे लिए श्री कृष्णा एक्सप्रेस। तो श्री कृष्णा एक्सप्रेस हमारे एक्जैक्टली सामने, लास्ट टाइम जब हमने श्री कृष्णा एक्सप्रेस खाया था तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज जो सब्जी आई थी मसाला डोसा में दैट वॉज नॉट दैट गुड। सो अभी वॉट आई एम होपिंग राइट नाउ इज बिकॉज इट्स मॉर्निंग सो अभी फ्रेश फ्रेश एकदम बनाए रहेगा। सो लेट मी ट्राई देयर मसाला डोसा, बट आई डेंट वॉन्ट टू ट्राई वेजिटेरियन संडे, बट राइट नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस। अभी KFC ओपन है, पपॉइज ओपन है और क्या मैरी ब्राउन ओपन है, लेकिन मेरे को उनका वो वाला चिकन नहीं खाना है। आई वॉज रियली इनक्लाइंड और अदर आई वॉज यू नो रियली होपिंग दैट मैकडोनल्ड का बिग ब्रेकफास्ट मिले संडे मॉर्निंग एंड देन संडे की स्टार्ट ऐसी है, लेकिन कोई नहीं लंच तगड़ा करेंगे, मतलब लंच बहुत अच्छी जगह करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बजरंग के इस एरिया में हैं जहाँ पे ये है पपाई रहा, यहाँ पे श्री कृष्ण एक्सप्रेस और वहाँ पे मैरी ब्राउन और यहाँ पे स्वागत है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैंने जो सर्च किया ना गूगल पे, वो बोले कि मैकडी 10 बजे ओपन होने वाला है। इज इट? दूर से देखा ऑब्वियसली, लेकिन मेनू कार्ड थोड़ा सा ऐसे मैच करता है कि जैसे कि वो ना बाबा रामदेव का ही हो। ये
आ गया अभिषेक रेगुलर मील लेके। उसको मैगडी का ब्रेकफास्ट मिला ही नहीं। ओ बाप रे, ऑरेंज जूस लिया। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग नहीं रखते, और ये लोग ने मुझे ओपन किया है, ये मे बी किसी भी मॉल में नहीं रहेगा बैग। मुझे तो वैसे ही लग रहा है। क्या तुमने ऑर्डर किया है? ये क्या, बिग मैक चिकन है और फ्रेंच फ्राइज। वाह। Two hours later. तो अभी हमने दूसरी डिश ब्रेकफास्ट में ऑर्डर की है, वो है श्री कृष्ण का मसाला डोसा। और आई होप कि ये सब्जी एकदम फ्रेश फ्रेश हो। और सांभर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, चटनी का क्वांटिटी एक्चुअली थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चटनी मांग के लिया। और ये चटनी मुझे पता नहीं कौन सी है, ये कौन सी कारा चटनी, शायद टोमेटो और ऑनियन मिक्स है, बट मुझे वो इनकी इनकी वाली पसंद नहीं है, ये वाली अच्छी है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लिनिक आए डॉक्टर विजिट के लिए। मैंने सोचा कि बजुमन मॉल आई है तो डॉक्टर को भी विजिट किया जाए, क्योंकि कल से मेरे को थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था। एक्चुअली अनईजी मतलब वो फीवरिश होता है ना, या फीवरिश से पहले जो वीकनेस आता है, वैसा एक थोड़े मोमेंट के लिए था, वो चला गया। लेकिन मैंने सोचा कि अभी आए ये तो विजिट किया जाए कि नहीं कर रहा। सो खांसी भी थोड़ी थी, ऐसा नहीं है खांसी नहीं थी, लेकिन वो भी खांसी भी चली गई। लेकिन अभी उसने जो इनिशियल चेकअप किया ना, मतलब टेम्परेचर बीपी सब कुछ नॉर्मल आ गया। अभी अभी पता नहीं मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊं क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? नेवरदलेस कुछ तो दिखाता हूँ और फिर आता हूँ, मतलब दिल की तसल्ली हो जाएगी। स्वागत है ये पानी लेने के लिए। और मेरा एक्चुअली नेक्स्ट नंबर, मुझे जाना है वहाँ उस रूम में। मेरे लिए भी लेके आ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा हॉट वाटर मिक्स करके आ। वैसे मुझे कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मैं नखरे कर रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी ऑनेस्टली मुझे पता नहीं कि मेरा नंबर आके चला गया कि नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ तक देखा ही नहीं है। क्या नंबर था तेरा? नेक्स्ट नंबर मैं पूछ गया हूँ। A few moments later. So, हो गया मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। डॉक्टर ने जस्ट बोला कि कुछ माइनर सिम्टम्स है कफ होने के, अभी हुआ नहीं है कफ, बट थोड़ा सा रेडिश थ्रोट है अंदर दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो स्वागत है, वहाँ खड़ी है कूपन लेके, और उसने अच्छा किया कि कूपन ले लिया, क्योंकि नहीं तो बहुत रश थी अंदर। राइट स्वागत है, कितनी रश है? अभी और 5 लोग बाकी हैं। ओके तो ये हरी फार्मेसी कुछ टैबलेट्स दिए, उसने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं किया। ऑफ कोर्स क्या बोले डॉक्टर, बाय द वे थोड़ा सा रेडिश है अंडर राइट हैंड साइड ऑफ द थ्रोट। हां थोड़ा सा है, छोटा सा है। अच्छा। लेकिन मेरा पता नहीं उसको कैसे दिखा कि नासल भी थोड़ा सा कंजेशन है। अच्छा। हां बट थोड़ा सा है, लेकिन मेरे को फील नहीं हो रहा है। उसने खुद ने बोला कि तेरे को फील नहीं हो रहा है, लेकिन दिस इज अ साइन ऑफ स्टार्टिंग इट। अच्छा आ गए हम। हां एग्जैक्टली। फाइनली हम लोग आए हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है चिलिंग चिली। यस। मुझे एक बात बता कि ये चिलीज ओपन कहाँ पे है? चलिए इतने बात तो चिलीज है। यूएस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स उसमें क्या है? कब हुआ? हाँ कब हुआ? कब हुआ? इवेंट कब हुआ? 1960। हाँ आसपास ही है तू। 1954। नहीं नहीं इतना नहीं। 1964। नहीं थोड़ा आगे। तो सभी लास्ट चांस। 1970। 1975 में हुआ है। पे लिखा गया। और ये आया हमारा खाना, और ये है मैश पोटैटो, ये है चिकन, और ये है चिकन मोजी। मेरा थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन हो रहा है कि बफेलो सॉस मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि जो नॉर्मली मैं बफेलो सॉस में कोई भी चीज़ मंगाता हूँ एकदम रेड रेड दिखता है। सो मैंने उससे एक्स्ट्रा बफेलो सॉस मंगाया है, एंड दिस लुक सो डिलीशियस, बट दिस अंडिल आई गेट बफेलो सॉस मोर आई विल नॉट हैव इट। ये फ्राइड है और इसके अंदर का चिकन जो है वो ग्रिल है, ये ग्रिल एंड फ्राइड चिकन। और ये क्या है? ये साइड मेरा टोटिया रैप बना रही हूँ, यहाँ पे चिकन का पीस डाला, गॉक सॉस डालूंगी और ऊपर से ये ढेर सारा चीज। थैंक यू। सेम वैसा मुझे भी एक बना के देना। तो यही ले ले तू, मैं मेरा बना देती हूं। चलिए थैंक यू। सो ढेर सारा हेल्दी खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा चीट डे सेलिब्रेट हो जाए, तो इसलिए हमने ये मंगाया है चॉकलेट स्मूदी। इज इट चॉकलेट स्मूदी क्या है? मैं भूल गया। ओके चॉकलेट वैनिला स्मूदी, और इसमें आइसक्रीम कहाँ है और चॉकलेट कहाँ है और सिरप कहाँ है? सिरप तो बह रहा है। तो एक काम कर, तू ब्लॉग बना, मैं खाने पे कंसंट्रेट कर रही हूं। ओके तो खा के रिव्यू दे दे थोड़ा सा। हाँ।
good. रात के 12 बजे मैं यहाँ पे पी रही हूँ हल्दी वाला दूध, और ये भाई साहब देखो पूरी हल्दी लगा के बैठा, जैसे कि इसकी अभी सगाई होने वाली है, हल्दी का प्रोग्राम है, ऐसा सब कुछ चल रहा है, बेसन हल्दी दही थोड़ा गुलाब जल ये सब लगा के बैठा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, इसमें सिर्फ बेसन और दही है बस मिक्सचर, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी गुलाब जामुन के साथ। बोला जा रहा है गोवा जा रहा है और हम यहाँ पे बैठ के उसकी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्चुअली ना गोला मुझे ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन जो भी है बहुत नेचुरल लगता है, ये जो है ना पहले पता गोला कौन है लोगों को, गोला मतलब ऑफकोर्स पता रहेगा भारती सिंह का लड़का, लेकिन वो बहुत नेचुरल है, उसको ऐसा लगता नहीं कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, जैसे वो जे वगैरह ना जे बाबा और वो सब अननेसेसरी हाइप्ड है। लुक एट गोला, दिखा नहीं भारती सिंह अपने ऊपर ये डाल देगी कॉपीराइट क्लेम, कोई नहीं वो खुश हो जाएगी, वो गोला को प्रमोट करेगी तो डाल, गोला को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो क्यूट है और मस्त फेमस है वो, जब वो तकिया लेके क्या बैठा सब हल्दी उसको लग जाएगी वो निकाल देगा। आई एम कॉशियस इनफ, देख मैंने हल्दी इस पार्ट पे लगाई और वो भी आर्म्स के ऊपर वाले, और वो भी बची हुई हल्दियां, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आर्म्स ऑन पे, नहीं इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो बची हुई हल्दी थी, वो वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आर्म्स पे लगा ली, नहीं तो नॉर्मली मैं लगाता नहीं हूँ, और चेहरे पे लगाई है, यहाँ वहाँ कोई हल्दी नहीं है, सो ये सेफ है तेरा, ओके तेरा सोफा भी सेफ है, तेरी तकिया भी सेफ है, मुझे अच्छे से ये भारती सिंह का ब्लॉग कंप्लीट करने थे, उसके बाद मैं तुझे भारती सिंह का ब्लॉग क्यों अच्छे लगे वो मुझे पहले गोला की वजह से। अच्छा गोला की वजह से, तो चले गए हम लोग काम करते हैं, ये भारती सिंह का ब्लॉग हम लोग कंप्लीट करते हैं और ये ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, और डू लाइक कमेंट शेयर एंजॉय योर लाइफ। अरे भाई 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 टू चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब कर ऑप्शन ठीक नीचे वीडियो के लाल अक्षर में, वंस व्हिच वंस यू हिट विल गेट सब्सक्राइब, एंड उसके बाद में है बेल आइकन वो भी हिट करना, और हमें अभी भारती सिंह का ब्लॉग देखने देना। ओके चलो बाय बाय।